हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल उच्चंदा वही धंधा में। दोस्तों, मैं आज आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ एक बाथरूम सेट। मार्केट में वैसे तो बाथरूम सेट बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक है। दोस्तों, इसकी फाइबर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 परचेस कर चुका हूँ गिफ्ट देने के लिए, और ये चौथा मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर 7 पीस का ये पूरा टोटली सेट आता है दोस्तों, और ये मैंने ओनली परचेस किया हुआ है 350 रुपये में। मार्केट में ये आपको करीबन 1200 से 1500 के लगभग अवेलेबल हो जाता है, लेकिन मैंने कहाँ से परचेस किया हुआ है उसकी लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूंगा, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं, 4 कलर्स में ये अवेलेबल हो जाता है, और इसकी जो डिजाइन होती है वो यूनिक होती है। जो भी डिजाइन आपको पसंद आती है इजिली आप वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट 4 कलर्स में ये अवेलेबल है, जिसमें से एक कलर्स की मैं अनबॉक्सिंग आपके सामने कर रहा हूँ। और ये एक मेड इन इंडियन प्रोडक्ट है दोस्तों, चाइना वगैरह नहीं है, तो भरोसा रख सकते हो प्रोडक्ट्स के ऊपर। यदि मैंने इससे पहले 3 परचेस कर चुका हूँ, क्वालिटी अच्छी है, तभी मैंने ये चौथा परचेस किया हुआ है, जिसकी एक एक करके मैं अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊंगा, उसकी डिजाइन भी आपको दिखाने वाला हूँ, किस तरीके के दिखाई देते वो भी मैं आपके दिखा देता हूँ, और 7 पीस क्या क्या इसके अंदर अवेलेबल होने वाला है वो भी आपके समझ में आना ही चाहिए। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी पहले ही कर चुका था देखने के लिए। तो पहला यूनिट हमारा अवेलेबल है आपके सामने, देख पा रहे होंगे आप इसकी क्वालिटी, और नीचे के साइड में यहाँ पे रबर्स दिए हुए, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम ये प्रोडक्ट चलने वाला है। पैकिंग भी नीचे से बहुत बेहतरीन है इसकी, मतलब कितना भी वेटेड है इंसान हो इजीली समा जाएगा इसके अंदर। और फाइबर क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे पूरी नरम है, रफ यदि होती थी तो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादातर होते थे, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो रफ नहीं है, एकदम नरम फाइबर है, जिसकी वजह से कितना भी वेट आप इसके ऊपर रखो तो वेट आराम से संभाल लेगा। और डिजाइन भी यूनिक इसके अंदर अवेलेबल है, जो भी डिजाइन आपको पसंद आती है परचेस कर सकते हो, जो भी कलर्स आपको पसंद आता है परचेस कर सकते हो। ये पहला यूनिट है, बहुत ही बेस्ट है, देख पा रहे होंगे आप, इसे रख लेते हैं साइड में। उसके बाद में एक बकेट आ जाता है आपको, जिससे वॉश करना भी आपको बहुत आसान चले जाता है, इजिली वॉश कर सकते हो, और वॉशरूम के अंदर इसे रख सकते हो। टूथपेस्ट वगैरह रखने के लिए भी ये काम में आता है, ब्रश वगैरह रखने के लिए काम में आ जाता है, इसी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है और दिखने में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। सिर्फ इसके अंदर एक ही चीज़ की दिक्कत है कि यहाँ पे होल वगैरह नहीं है जहाँ पे हम फिक्स कर सकें, तो होल आपको खुद ही गिराना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये फिक्स हो पाएगा कहीं पर। बाकी कहीं स्टैंड हो आपका रखने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कहीं पर दीवार पर वगैरह आपको लगाना हो इसे होल गिराना जरूरी है, बाकी स्टैंड अप रखने के लिए बहुत ही बेस्ट है। बहुत सारे ब्रश और बहुत सारे टूथपेस्ट इसके अंदर आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। यह हमारा दूसरा यूनिट। तीसरा यूनिट आता है आपको वॉश वगैरह, तीसरा यूनिट आता है आपको सोप वगैरह रखने के लिए, साबुन वगैरह, जिसकी भी क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे। और नीचे से होल होने की वजह से क्या है कि पानी इसमें जमा बिल्कुल नहीं होगा, पानी पूरा नीचे से निकल जाता है। छोटा सा यूनिट है लेकिन बहुत काम की चीज़ है, और इसके अंदर भी डिजाइन आप देख पा रहे होंगे, हर चीज़ पे एक ही डिजाइन दी हुई है, तो उसकी वजह से जो कलर आपको पसंद आता है, जो डिजाइन आपको पसंद आती है वो आप परचेस कर सकते हो। 3 यूनिट हमारे हो चुके हैं। चौथा यूनिट आता है इसके साथ में मग, जो नहाने के लिए आपको काम में आने वाला है, और इसके ऊपर भी अच्छी खासी डिजाइन यूज की गई है, इसकी भी फाइबर क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, देख पा लेंगे आप, पूरा नरम फाइबर है, मतलब डैमेज होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। उसके बाद में आ जाता है ये छोटा सा बकेट डस्टबिन, जिसके आप अंदर आप कूड़ा वगैरह रख सकते हो इजीली, कूड़ा रखने के लिए बहुत बेस्ट है। बाकी इसको कड़ी वगैरह होती थी तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन इसके साथ में कड़ी बिल्कुल अवेलेबल नहीं, कड़ी होती थी तो पकड़ने में आसानी हो जाती थी, लेकिन कड़ी ना होने की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस लगता है। बाकी डिजाइन भी आप देख पा रहे होंगे, और ये नीचे की साइड है इसकी, और इसकी भी क्वालिटी सेम ही है, सारे फाइबर एकदम नरम क्वालिटी में है, जिससे डैमेज होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसके साथ में एक ऊपर से ढक्कन आ जाता है आपको, कूड़ा रखने के लिए ढक्कन वगैरह रखने के लिए काम में आ जाता है इस तरीके से। बाकी साइड में कुछ नोजल होता था तो बहुत अच्छा था, मतलब हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी ढक्कन को, लेकिन इसे हाथ लगाना पड़ेगा आपको इस तरीके से, जब भी कूड़ा वगैरह अंदर डाल पाओगे। और कड़ी भी इसको अवेलेबल नहीं है, देख पा लेंगे आप, जगह तो है कड़ी के लिए लेकिन कड़ी इसके साथ में बिल्कुल नहीं है अवेलेबल। बाकी
बाकी क्वालिटी के मामले में बिंदासली परचेस करो दोस्तों। 1200-1500 में अलग अलग कंपनी की बहुत सारे हैं मार्केट्स में, लेकिन क्वालिटी के मामले में रफ फायर हो जाता है, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें डैमेज होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है और सबसे कम कॉस्टिंग में ये अवेलेबल है। उसके बाद में आपको एक बकेट आ जाती है जो कि 5 लीटर के अंदर ही अवेलेबल है। इसके ऊपर कड़ी वगैरह भी मजबूत दी पकड़ने के लिए, ऐसी कड़ी यदि उसको दी होती थी तो बहुत अच्छा था, लेकिन बकेट के साथ में कड़ी आपको अवेलेबल है। नीचे के साइड भी बहुत अच्छी है, मतलब डैमेज होने का कुछ भी चांसेस नहीं है और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की वजह से ये बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। बाकी जो आते हैं बिना डिजाइन के आते हैं, जिसके वो दिखने में अच्छे खासे नहीं दिखाई देते, डिजाइन होने की वजह से बहुत अच्छे खासे दिखाई देते हैं। मतलब वॉशरूम में बाथरूम के अंदर रखने के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। एक ही बॉक्स में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है, 7 के 7 पीस। अलग अलग परचेस करोगे, एक आइटम इधर से लोगे एक उधर से लोगे, उनके कलर डिफरेंस हो जाते हैं, उनकी डिजाइन डिफरेंस हो जाती है, तो एक ही सेट रहा तो एक ही सेट के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है और एक ही कलर्स की अवेलेबल हो जाती है। इसके लिए सेट ही परचेस करने में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिंगल कहीं से परचेस करोगे और सिंगल कहीं से परचेस करोगे तो दिक्कत हो जाती है। एक ही बॉक्स में सारी चीज़ें घर के अंदर रखने के लिए बहुत बेहतरीन है। उसके बाद में टब आपको अवेलेबल हो जाता है जिसमें 7 लीटर वाटर आप डाल सकते हो और इसकी भी डिजाइन बहुत अच्छी खासी है, देख पा देंगे आप, बहुत ही रफ क्वालिटी है। मतलब गिफ्ट देने के लिए बहुत ही अच्छा है, घर में यूज करने के लिए भी बहुत अच्छा है और डैमेज होने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। साइड में पकड़ पकड़ने के लिए भी अच्छी जगह दी हुई है जो इजिली आप पकड़ भी कर सकते हो उससे। तो मजबूती के मामले में बिंदास ली, स्काई कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइड होता है दोस्तों। कॉन्टेक्ट नंबर तो इन्होंने कुछ भी दिया नहीं है बॉक्स के ऊपर, बाकी कहाँ से अवेलेबल होता है ये भी नहीं है, तो शायद ये दिल्ली का प्रोडक्ट हो सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन ऑनलाइन से मैंने परचेस किया हुआ है 350 रुपये में, तो वहाँ पे वैसा कुछ भी मेंशन नहीं था कि ये कहाँ से प्रोवाइड होता है। बाकी बॉक्स के ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे कि कहीं पे भी कंपनी का नाम, लोगो वगैरह, सिर्फ लोगो दिया है कंपनी का, बाकी एड्रेस वगैरह कुछ भी इस बॉक्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है। बाकी फोर कलर्स में अवेलेबल हो जाता है, देख पा रहे होंगे। बॉक्स पैकिंग बहुत ही अच्छी दी गई है इसकी, ऊपर के साइड में भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है एड्रेस वगैरह, तो ये दिल्ली का ही प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है दोस्तों जो मैंने आपके साथ में शेयर की। 7 पीस है ये, 1 टप आ जाता है। उसके बाद में दूसरा आता है आपको बकेट, तीसरा आ जाता है आपको डस्टबिन, टूथब्रश वगैरह रखने के लिए चौथा आइटम आ जाता है, देख पा लेंगे आप। उसके बाद में एक मग, सोप वगैरह रखने के लिए छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, इसका ढक्कन भी रख लेते हैं साइड में। इसे पैक करना ही हार्ड चले जाता है, एक बार यदि निकाल लोगे आप तो निकालने के बाद में चेक करके आपको रख लेना पड़ेगा घर में, बॉक्स फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स में यदि आप वापस रखना चाहोगे तो बहुत हार्ड चले जाता है। किसी को गिफ्ट देना हो तो जैसे पैकिंग आती है वैसी की वैसी पैकिंग ही गिफ्ट देना है आपको। यदि आप ओपन करके सारी चीजें चेक करोगे तो पैक करने में बहुत हार्ड जाने वाला है, आप देख पा रहे होंगे इजीली। अभी इस तरीके से मैंने इसे पैक किया हुआ है, इसी तरीके से जिस तरीके से आप बाहर निकालोगे उसी तरीके से आपको पैक भी करना है, मतलब आपको आसान चले जाएगा पैकिंग करने के लिए। मार्केट्स में पहले तो आप रेट चेक कर लीजिए, इस डिफरेंस में 350 से यदि मार्केट्स में आपको अवेलेबल होता है तो मार्केट से परचेस कर कीजिएगा, लेकिन मार्केट्स में यदि आपको कहीं पे और कॉस्टली मिल जाता है तो लिंक मैंने नीचे दी है, वहाँ से आप इजीली परचेस कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।